हेलो दोस्तों, मैं हूं सृष्टि और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि कैसे हम अपने मूड को तुरंत में ठीक कर लें, क्योंकि हमारा मूड जब ख़राब होता है तो हमारा बहुत टाइम और एनर्जी चला जाता है, क्योंकि हम उसी बात को उसी सिचुएशन में बहुत देर तक रह जाते हैं। उस वक्त अगर हम कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं तो वो भी गलत ही हो जाता है, जिसका हमें बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में ना रहने के लिए आपको अपने माइंड के पैटर्न को समझना होगा। तो दोस्तों, जब हमारा मूड ऑफ होता है तो आप देखते होंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही हो जाती है, मतलब आप बहुत लो एनर्जी फील करते हो, आपके एक्सप्रेशन भी वैसे ही होते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों से आप ये समझ सकते हो कि आपकी माइंड आपकी बॉडी से कनेक्टेड है। जैसे आपके माइंड में थॉट्स रहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसे ही हो जाती है। आपको वैसा ही मन करता है, मतलब सैड सॉन्ग सुनने का मन करेगा, अकेले रहने का मन करेगा, कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको मन करेंगी, क्योंकि आपका माइंड उस थॉट्स के हिसाब से ही आपको डायरेक्शन देगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है तो आपको अपने माइंड को चीट करना पड़ेगा, और चीट कर सकते हैं हम इसका उल्टा अपोजिट करके। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही कीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, उसके बाद एक लाउड म्यूज़िक सुनिए, ईयरफोन लगाइए और एक लाउड म्यूज़िक सुनिए, अपने चेहरे पे स्माइल लाके। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने माइंड को ये इन्फॉर्मेशन देते हो कि आप खुश हो, क्योंकि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज सही कर ली, अपने फेस पे एक अच्छी सी स्माइल लाई और अपने एक लाउड म्यूज़िक सुन रहे हो, जिस वजह से आपका माइंड उस लाउड म्यूज़िक के फ्रिक्वेंसी को मैच करेगा और तुरंत में वो डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका माइंड डाइवर्ट होगा उस म्यूज़िक पे, आपका मूड चेंज हो जाएगा। आपका मूड चेंज जैसे होता है, आप रिलैक्स करने लग जाओगे। और दोस्तों, यही तो हम चाहते हैं। उस वक्त हमें यही नहीं समझ में आता कि कैसे अपना मूड सही करें, कैसे सिचुएशन से निकले। तो दोस्तों, ये तरीका है जो हमेशा काम आता है, आप एक बार इसे ट्राई करना ज़रूर। जब भी आपका मूड ऑफ हो, एक बार इसे ट्राई करना, आप देखना कि आपका माइंड तुरंत में डाइवर्ट हो जाएगा और आप उसके बाद अपने माइंड को यूज कर सकते हो उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए, ना कि उस प्रॉब्लम में ही फंस के अपने कुछ दिन और कुछ घंटे बर्बाद करने के लिए। तो दोस्तों, आप ये देखते होंगे कि जब तक हम अपने मूड ऑफ के सिचुएशन से निकलते नहीं, तब तक कोई सलूशन नहीं मिलता। तो क्यों ना हम अपने इस ट्रिक को अप्लाई करके तुरंत उस सिचुएशन से निकल जाए और अपने सोल्यूशन को ढूंढे। दोस्तों, आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि डॉक्टर कहते हैं कि आप खुले गार्डन में जाओ और अपने हाथ को ऊपर करके ज़ोर ज़ोर से हंसो। दोस्तों, ये भी सुनने में थोड़ा अजीब ही लगता है, और जब आप एक दो बार करोगे ना तो करने में भी अजीब लगता है, उसके बाद ऑटोमेटिक हंसी आने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप सबसे पहले वैसे अपने बॉडी लैंग्वेज करते हो और एक ज़बरदस्ती की ही सही लेकिन स्माइल करते हो, जिस वजह से आप अपने माइंड को ये इन्फॉर्मेशन देते हो कि आप खुश हो, और ऐसा करने से आपको फिर ऑटोमेटिक ही हंसी आने लग जाती है। तो दोस्तों, यही सेम चीज़ें काम करती हैं वहाँ पे, जब आप लाउड म्यूज़िक सुनते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करते हो एक स्माइल के साथ, तो आपको आपका माइंड ना उस फ्रिक्वेंसी को मैच करने लग जाता है, उसके बाद आपका मूड ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाता है और आप अपने काम में अपने सोल्यूशन में उस टाइम को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।